क्या बात है भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ। अकेली अकेली सी बैठी हो, खाली बैठी हो। कुछ काम वाम नहीं है क्या घर का? जाओ कर लो कुछ। अच्छा, मैं खाली बैठी दिख रही हूँ तुम्हें? और एक बात बताओ, तुमने सुबह से उठ के क्या किया है? खाया पिया सो गए, फिर उठ के मुंह उठा के चल दिए। तुम्हें मैंने 2 दिन पहले बोला था कि आरू के प्रोजेक्ट के लिए ना शीट्स लानी है, वो तुमसे नहीं लाई गई। और तो और किचन का एग्जॉस्ट वो सड़ा पड़ा है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें उस काम को करना है, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा। और दुनिया भर के 10 काम है घर के जो तुम्हें करने हैं, वो तो तुमसे होते नहीं है। और तुम एक बात बताओ, तुम इतना बनठन के चश्मा लगा के कहाँ चल दिए? आए बड़े लाड साहब, ये मुझे बता रहे हैं खाली बैठी हूँ मैं। चैन की सांस लेती भी अच्छी नहीं लगती मैं। अच्छा पूछ लिया इससे मैंने। देखना कांशा, किसी ने क्या खूब लिखा है यार। खबर छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। क्या बात है, इसमें कौन सी अद्भुत बात दिख दी इसने? ऐसा तो अक्सर होता है। अब हमारी शादी से पहले जो बिचौलिया था, तुम्हारे पापा का दोस्त, वही मिडल मैन, उसने बताया था लड़का बिल्कुल सूफी है, दारू और गुटके से 100 कोस दूर रहता है, 75,000 रुपए महीने कमाता है और इंसेंटिव अलग से मिलता है। मतलब कि खबर को छुपाया गया और अफवाह उड़ाई गई। अब आओ दूसरी लाइन पर, लड़के की कोई मांग नहीं है, घर में पहले से ही 2-2 गाड़ियां हैं, लेकिन लड़के ने टॉप मॉडल से नीचे की गाड़ी नहीं ली। यानी कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। अब हुई शायरी पूरी, है ना? लेकिन ये दारू के साथ तुम्हें गुटखा नहीं बोलना चाहिए था। आज तक मैंने सूंघा भी नहीं है, कैसा होता है तुम्हें भी पता है। बस साड़ी पहन कर आ जाओ। बस साड़ी पहन कर आ जाओ का क्या मतलब है? इधर मैचिंग ब्लाउज नहीं मिल रहा है, मैचिंग झुमका नहीं मिल रहा है, बाल सेट नहीं हो रहा है। बस साड़ी पहन कर आ जाओ, अभी और 2 घंटा रुको। हाँ तो भैया, आज खाने में क्या बना रही हो? आलू बैंगन की सब्जी। यार बन देखो, बैंगन बैंगन बैंगन, पता है जो ज्यादा बैंगन खाता है अगले जन्म में गधा बनता है वो। तो ये तो पिछले जन्म में सोच रखा किया था ना आपको। बेबी एक बात बताओ। हाँ? पहले तो आपको भूतनी और चुड़ैलों से बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता? नहीं अब नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता है? अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ना अब मैं अपनी एक पर्सनल लेके घूमता हूँ हर जगह। अच्छा। तो मुझे अब डर नहीं लगता। अरे तुम्हारा दोस्त पागल लड़की से शादी कर रहा है? तो करने दो साले को। कैसे दोस्त हो यार, समझाओ। हाँ? उसको उसने मुझे समझाया था। क्या मतलब है आपका, मैं पागल हूँ? तो सही भी कहाँ से हो? तो मारने से क्या होगा, पागल तो पागल ही होता है। पागल पागल।